लगी तो नहीं तेरे को? बारह गाड़ी में आग लगी। आग लगी। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं आपका भाई अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी व्लॉग। तो गाइस, हमारा प्लान था मनाली जाने का, कैंपिंग करने का, पर मैं इन्हें पागल बना के भानगढ़ लेके जा रहा हूँ। चीटिंग करता है तू। राजस्थान में बहुत सारी मतलब वांटेड जगह है ना, बहुत सारी भाई। आप गाइस, राजस्थान में काफी ज्यादा राजा महाराजा रहे ना, तो काफी लड़ाइयां हुई है और इसमें काफी ज्यादा डेथ हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा वांटेड जगह पे यहीं पे मिलती है भाई। सो गाइस, ये लोग बोल रहे की इतनी देर होगी पागल बना रहे, पहाड़गा भाई पहाड़गा, तो जल्दी बैठो तो मैं पहाड़ी दिखा के लाता हूँ। चल 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 चल। तो गाइस, बच्चे जिद कर रहे थे कि पहाड़ों पे चलो पहाड़ों पे चलो, इन्हें पहाड़ों पे ले आए। भाई कैसे है पहाड़? अच्छा, ये तेरे और इसके लिए है। दोनों यहाँ पे घूम लो और तू बड़े वाले पहाड़ों पे घूमा, अपना झोपड़ा लगा ले यहाँ पे। तो गाइस, सुबह तो हो चुकी है, अभी कुछ खाना पीना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं फिर आपसे। क्या बोलूँ, खाना पीना खा लिया, मिट्टी मिट्टी खा लिया उठा के। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पहाड़ों में बुड़का मार लिया। So guys, अभी यहाँ पे रुके थे, कोई डॉग का एक्सीडेंट कर गया, अभी विवेक और मोहित उठाने गए उसे। तो गाइस, मुझसे तो नहीं देखा गया क्योंकि इसका सर कुचला हुआ पूरी तरह। So guys, उसको तो साइड में कर दिया यार, उसका सारा सर फटा पड़ा है भाई, मुझसे तो नहीं देखा गया ये। क्या ही बताऊं भाई, बहुत ज्यादा गंदी हालत हो रखी है इसकी भाई। मेरे से तो गया भी नहीं गया उस साइड, बहुत ज्यादा गंदी हालत हो रखी है, इतनी ज्यादा गंदी हालत, सारा इसका शरीर मतलब बाहर आ गया। मैं पहले सोच रहा था कि मैं और विवेक जाएं, पर जब मैंने दूर से हालत देखी ना कि भाई वो सारा खिला पड़ा, तो मेरी तो हिम्मत नहीं भाई मैं वहाँ चला जाऊँ, तो ये दोनों साइड करके आया यार। यहाँ दबाव भी नहीं सकते, यहाँ कुछ ऐसी शॉप वगैरह नहीं थी यार। सो गाइस, काफी टाइम हो चुका है, मैं चलते और भानगढ़ का रास्ता ढाई घंटे का बचा भाई। तो खाली रोड है, यहाँ दे दो गाड़ी चलाने के लिए, वहाँ तो बहाने बना रहे थे मेन रोड। आती है तेरे को चलानी? हाँ आती है। हाँ, उस दिन ट्रैक्टर देख लिया था मैंने कैसी आती है, फ्रंट में चलाना था वो, रिवर्स में मारा भाई। इस रोड तो खाली है, रिस्क लेना चाहिए भाई। बिल्कुल। तू क्या बोल रही है? घर कैसे पहुंचेंगे अगर कुछ हो गया तो गाड़ी को? यार खाली रोड है, तेरे को आती तो है ना? आती है मेरे को। मैं तो उतर रहा हूँ, सारे उतर लो भाई। ये क्या सेफ्टी की बात हमारी? नहीं नहीं। तो गाइस, हम सारे तो उतर चुके हैं, हमें गोलू की ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है भाई, रोड से दूर हट जाते हैं भाई, इस रोड के पार चले जाते हैं। मस्त प्लान है। मैं तो इस पे चढ़ रहा हूँ भाई, और तू उस पे चढ़ जा, सेफ रहेगा। तू कहाँ जाएगा कालिया? तेरा क्या होगा कालिया? चला गोलू, स्टार्ट कर। गोलू तो हैवी ड्राइवर हो रही। ओए ओए, पीछे कुछ है तो नहीं? वो गाड़ी लेके भाग गई हमारी, गाड़ी लेके भाग गई। बाइक भी आ रही है सामने से। अरे यार भाई, साइड हो जा, साइड हो जा। रुको भाई, इसको ओ तेरी, ओए खा लिया की, ओ ठोक दी। लगी तो नहीं तेरे को? बारह अरे यार, ओ भाई, ओ भाई, क्लच पे ही पैर रह गया। अरे यार, मैं इसलिए मना कर रहा था यार गोलू तेरे को। क्या हुआ? फंस गई। ओ भाई, ये मिट्टी में धस गई पूरी यार, मैं ब्रेक लगा रही थी यार। तू इसको ना तो पीछे ले यार। यार गाइस, ये वाली साइड तो बिल्कुल ही टूट गई इसकी। अबे लेना पीछे, जा नहीं रही पीछे है? क्यों नहीं जा रही? अरे कुछ है क्या? देखिए उसकी तरफ पीछे, यहाँ से तो निकल गई भाई। आ गई निकल आई भाई जी। ये देखो कितना, अबे भाई ये अलग हो गया। अरे यार, ये गाड़ी में आग लगी। आग लगी? ओ भाई, ओ भाई, आग लगी यार इसमें तो। भाई ये धुआं कैसे आ रहा है? गाइस देखो, धुआं आना चालू हो गया भाई। इसको ना अभी तो स्टार्ट मत करियो, रुक जा, इसको ना ओपन रहने दे भाई, आग भी लग सकते भाई इसमें। यार मैं सोच रहा सेल्फ मार के देख लूं। नहीं 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 भाई, नहीं भाई, नहीं। सो गाइस, काफी सेल्फ के बाद गाड़ी तो स्टार्ट होगी भाई। ये देखो सामने, ये पक्की मिट्टी का टीला और इस पे लगा बम्पर जा गया। देखो सारे निशान छप गए यार, बम्पर भी टूटने वाला था। अरे अभी भी देखो धुआं रहा था, अभी भी धुआं निकले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा भाई। सब छोड़, सबसे पहले मैकेनिक के पास चलते हैं, बाद में कहीं भी जाएंगे, बाद में चलेंगे यार। मैंने जानबूझ के नहीं करा, मैं ब्रेक मार रही थी, पता नहीं कैसे रेस। कोई नहीं यार, हो जाता है भाई। अभी मैकेनिक ढूंढते यार, और मैकेनिक को दिखाते कि ये धुआं क्यों आ रहा है यार, दिक्कत ना हो जाए कहीं। स्कूल चालू हो गए इन बच्चों का, स्कूल छोड़ गया।
स्कूल छोड़ गए स्कूल का सर्कस साला बिठा लेगा तूने स्कूल का टाइम हो गया इनको गजब बेइज्जती है तेरा सर्कस का भी टाइम हो गया तो गाइस खाना पीना तो मंगा लिया मैंने मंगाए पराठे और इन्हें देखो 56 भोग मंगा लिए खाया एक नहीं जाना इनसे वो क्या करता है रे तेरी तो ऐसे क्या देख रहा है तो अभी खाना खाते हैं वही फिर बात करते हैं आपसे तो गाइस खाना पीना तो खा लिया था अभी निकलते घर की साइड यहाँ हमारी गाड़ी चला चला के आंखें लाल हो गए भाई इसको तो कोई मतलब ही नहीं है भाई गाइस फाइनली इतना घूमने के बाद मैकेनिक तो मिल गया था भाई अभी विवेक क्या बताया भाई भाई मैकेनिक ने बोला है कि यार तो मतलब जुगाड़ू काम तो उसने कर दिया है बट ना मतलब परमानेंट ठीक नहीं हुई है ये तो इसको भाई वापस लेकर के जाना पड़ेगा वापस तो जाना पड़ेगा क्योंकि ना ये मतलब ज्यादा लॉन्ग लेकर के ना जा नहीं सकते यार वो बोला कि इंजन सीज हो जाएगा मैंने जुगाड़ तो मतलब कर दिया तक तो पहुंच जाएगी अभी कल फिर सर्विसेशन लेके आने पड़ेगा अभी तो यार कल सीन हो गए फिर घर पे निकलना पड़ेगा अभी और क्या कहाँ जाए यार घर पे चलते हैं फिर यार सही रहा कि उसने थोड़ा जुगाड़ कर दिया घर तक तो पहुंच जाएंगे ये सोचना ये चीज वहां पे नहीं हुई हम जहां पे जा रहे थे भाई गलत सीन हो जाता तो अभी बैठो यार चलते हैं फिर चलो यार बैठो तो गाइस अभी तो घर चलते हैं यार काफी मूड खराब हो गया यार ये सीन देख के गाइस गोलू और मोहित को तो उतार दिया था भाई वो सारी रास्ते सोते हुए आ रहे थे और इसे भी देख लो ये भी नींदों में दुखी हो रखा है सो गाइस अभी फ्लैट पे आ चुके हैं सारा सामान वामान उतारते हैं और फिर चलते हैं घर पे उठ ले फ्लैट आ गया भाई चल भाई तुम सबको तो छोड़ा था अभी घर पे फोन कर देता हूँ भाई कर अभी भी धुआं आ रहा है इसमें भाई ओ भाई इतना धुआं पानी डाल जल्दी यार ये इतना धुआं कैसे आ गया ओ भाई गलत सीन हो गया तो एक और बोतल है उस साइड से बोतल पकड़ जल्दी पकड़ यार कम से कम घर पे तो पहुंचा दिए इन्होंने ये तो अभी भी नहीं रुक रहा क्या कहाँ डालो अभी रात को काट देंगे यहीं छोड़ दें इसे सुबह ही दे के आएंगे भाई ये शोरूम में देनी पड़ेगी यार मैकेनिक से नहीं होगा तो फिर टो करवा लेंगे ना क्या दिक्कत कल टो करानी पड़ेगी यार ये अभी भी रुक नहीं रहा यार धुआं है ना यार इतना पानी डालने के बाद तो रुक जाना चाहिए था यार रात हो रही है यार रात को कोई यार मैकेनिक भी नहीं मिलेगा क्या करें अरे सुबह ही देनी पड़ेगी शोरूम में चीज करते हैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको खुला रखते हैं देखते हैं अगर ये धुआं रुक जाए ना तो फिर इसको बंद करके बाइक पर चलते हैं सो गाइस फाइनली धुआं तो रुक गया यार काफी टाइम वेट करने के बाद इसको बंद करते हैं यार आधा पौना घंटा लग गया भाई इसको सही रहा कि बंद हो गया वरना यार सारी रात टेंशन रहती तो गाइस अभी फ्लैट पे ही सो जाते हैं और सुबह देखते हैं कि क्या कुछ करना है सुबह तो शोरूम में लेके जानी पड़ेगी अभी तो फ्लैट पे ही सो जाए ना अभी इधर ही सो जाते हैं यार वैसे भी लेट हो गए इधर ही तो गाइस अभी ऊपर जा रहे फ्लैट पे और भाई इस वीडियो को एंड करते हैं थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तुम्हारे भाई का चैनल है अलबादी का तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर